नगर में जो पीपल का पेड़ था वहां पर सीढ़ी रखा गया था जिसको हटाया गया, उसके अंदर हंगामा हुआ सर, क्या है पूरा मामला सर? ये कस्बे में स्कूल ग्राउंड के पास में एक त्रिवेणी का वट वृक्ष है, उसमें चबूतरे पर जो है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है बिना किसी अनुमति के शिवलिंग का जो है रखा गया था। प्रशासन को सूचना होने पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व मल्लेश्वर के नेतृत्व में जो है सीएमओ और उनकी टीम के द्वारा जो है उपरोक्त शिवलिंग जो है वहाँ से हटाया गया है। विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा गलत, उसमें पुलिस जो है सुरक्षा वहाँ थी जो उक्त तो कार्रवाई जो है प्रशासन और नगर परिषद की टीम के द्वारा उपरोक्त जो है अवैधानिक उसको जो है बिना अनुमति के जो रखे गए शिवलिंग को वहाँ से हटाया गया, पुलिस सुरक्षा तो उनकी जो है मदद के लिए खड़ी। सर शिवलिंग जो है काफी समय पुराना बात स्थापित किया, वहाँ पर कोई भी पूर्व से कोई वहाँ पर शिवलिंग नहीं था, जो आज रखा गया है रात्रि में किसी द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखा गया। जिससे कभी शिवलिंग हटाया गया है, क्या मामला भैया पूरा? 50 साल पुराना एकदम मंदिर है, जैसा कि आप वृक्ष विशाल वृक्ष देख रहे हैं, ये सदियों पुराना वृक्ष है, इसके नीचे शिवलिंग है, उस शिवलिंग को थोड़ा सी बड़ा शिवलिंग यहाँ रखा था, वो शिवलिंग पुलिस गलत तरीके से जूते पहन के मंदिर में बैठे वो शिवलिंग को उठा के गाड़ी में रखा, गाड़ी में भगा के गाड़ी भगा के ले गए, जबकि मैं उस गाड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे भी मांगा पर नहीं रोका होगा। एक तो TI तिवारी महेश्वर के और SDOP इन दोनों की हरकत है, ये कृत हिंदू समाज को तो अच्छा नहीं लगा और ये कृत उनको महंगा पड़ेगा। भाई इससे क्या मांगे आपकी इसको लेकर? इन दोनों शख्स को हटाया जाए और वापस से स्थापना करें। वो भी हटाई, शिवलिंग की लिंग गिर गई है, क्या तरीका है?